हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्पेशल केयर वन सेल्फ और मैं हूं आपकी दोस्त शीशा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक ओवरनाइट वाला फेस मास्क। फ्रेंड्स, ऐसे हर कोई सोचते हैं क्या ऐसा जादू कुछ हो जाए कि हम लोग रात में सोए या सुबह उठ के अपने आप को पहचान नहीं पाए, इतना खूबसूरत हो जाए क्या चाँद से भी ज़्यादा, चाँद में जैसे कोई दाग नहीं है या चाँद जैसा गोरा है, ऐसा चेहरा हर कोई चाहता है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा चाहते हो आप भी तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज मैं जो ओवरनाइट मास्क आपको दिखाऊंगी, इसे लगाने से फ्रेंड्स आपके स्किन में एक भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे, आपके स्किन ग्लो करेंगे, आपके स्किन फेयर बनेंगे, आपके स्किन का जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो कॉम्प्लेक्शन एक ही रात में फ्रेंड्स 2 से 4 सेट लाइटन करेगा ही, और उसके बाद भी और भी ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसी को सभी का स्किन एक जैसा नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये किसी को ज़्यादा भी हो सकता है और ये किसी को कम भी हो सकता है, मतलब 1 से 10 सेट तक तो लाइटन ये करेगा ही फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये आपके स्किन में पिंपल है तो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। यानी फ्रेंड्स ये जो टिप्स है ये ओवरनाइट मास्क हर कोई लगा सकता है, जो टीनेजर है जिनके फेस में पिंपल आते हैं वो भी लगा सकते हैं, और जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है यानी 40 प्लस हो गया है या 60 प्लस हो गया है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके स्किन को ग्लो भी बनाएगा, स्किन का रिंकल को भी मिटाएगा, स्किन का दाग धब्बे को भी मिटाएगा, पिंपल को मिटाएगा, आपके स्किन को बहुत बहुत खूबसूरत बना देगा, आपके स्किन को फेयर ब्राइट खूबसूरत बनने के लिए जो भी लगता है आप सोच रहे जो भी होता है सब कुछ आपको मिलेगा इस टिप से, इस मास्क से। और इसको बनाना भी फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने जोड़ा है, तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, हर किसी के रूम में पास रहता ही है, तो इसे बनाना भी बहुत सहज होता है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना बात तो मैंने बोल दिया है, पूरा फुल ड्रेस आपको बता दिया है क्या आज का टिप्स क्या होने वाला है और उसका क्या रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहना, फुल वीडियो को अच्छे से देखना और इसे जरूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले तो हम लोग लेंगे एलोवेरा जेल को। फ्रेंड्स एलोवेरा जेल बहुत असरदार होता है स्किन के लिए, ये आपके स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है, तो लगभग एक चम्मच आपको एलोवेरा जेल इसमें जोड़ना है। तो मैं ये लगभग एक चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया है, ये आपके स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा, स्किन में पिंपल है रैशेज है तो उसे मिटाएगा, टैन है तो उसे मिटाएगा और स्किन को मॉइस्चर दिलाएगा। तो इसीलिए ये एक ओवरनाइट मास्क है, तो इसीलिए आपको एलोवेरा जेल इसमें जोड़ना ही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है दूध को, कच्चा गाय की दूध लेना है, आपके पास कच्चा नहीं है बॉयल है तो भी चलेगा, कोई भी आप ले लो, पर एक चम्मच इसमें आपको जोड़ना है। दूध में फ्रेंड्स स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज रहता है और फ्रेंड्स क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज रहता है और बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, ये आपके स्किन का दाग धब्बे को भी रिमूव करता है, स्किन का रिंकल को भी रिमूव करता है, स्किन को टाइट जवान बनाने के लिए हेल्प करता है, ग्लो लाता है, तो दूध का फ्रेंड्स काफ़ी सारा फायदा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें दूध जोड़े हैं एक चम्मच। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल दोनों में से जो भी आपके फेस में सूट करता है वो ले लो, ये दोनों ही फ्रेंड्स आपके स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग और फ्रेंड्स फेयर बनाने के लिए हेल्प करेगा, रिंकल को मिटाएगा, स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद और भी एक चीज़ आपको इसमें जोड़ना है, पर उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही उसे जोड़ना है आपको, तभी वो भी मिक्स अच्छे से हो पाएगा। तो उसके नाम मैं अभी नहीं ले रही हूँ, सस्पेंस है, कभी आ जाएगा वो, तो उसके पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो वो है फ्रेंड्स सैंडलवुड पाउडर। फ्रेंड्स सैंडलवुड बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, ये स्किन को फेयर ब्राइट बनाता है, स्किन का डार्क धब्बे को मिटाता है, तो रात को आप सैंडलवुड पाउडर को इसी तरह जोड़ के लगा के अपने फेस में रखते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक ओवरनाइट फेस मास्क बन जाता है, बहुत ही असरदार होता है। तो आपको 1/2 से 1 चम्मच लेना है सैंडलवुड पाउडर, नेचुरल जो होता है वही लेना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसा बहुत सारा सैंडलवुड पाउडर मिलता है जो असल में सैंडलवुड पाउडर नहीं होता है, तो आपको प्योर सैंडलवुड पाउडर इसमें जोड़ना है। तो ये ऐसा थोड़ा पतला होगा यानी गाढ़ा नहीं बनेगा, ये मॉइस्चराइजर का तरह बनेगा, पर ये एक
फेस मास्क बनेगा, तो इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसीलिए मैंने बोला था पहले उसके साथ सभी को मिक्स करने के बाद इसे मिक्स करना है, तो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से अभी मिक्स हो गया, सैंडल का कलर इसमें आ गया है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो चलिए अभी इसे कैसे लगाना है जान लेते हैं। पर फ्रेंड्स आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ बेल बटन को जरूर दबाना, ताकि फिर नेक्स्ट मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं वो भी आप देख पाओ, उसका भी फ़ायदा ले पाओ और मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे परिवार के एक सदस्य आप भी बनो। तो इस यही रिक्वेस्ट है, इसीलिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल बटन को भी क्लिक कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अपने फेस में इसे लगा के दिखाती हूँ उसे आपको कैसे लगाना है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट क्या आता है, लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मेरा मास्क बनके रेडी हो चुका है, अभी मैं इसे लगाने के लिए एक्साइटेड हूँ। आप भी शायद एक्साइटेड हो, तो घर पे जरूर बना के देखना, एक बार मैं लगा लेती हूँ और इसका रिजल्ट जरूर देखोगे आप, और रिजल्ट देख के आपको अच्छा लगेगा ही, ये मेरा दावा है। तो देखने के बाद जरूर इसे बना के ट्राई करना। तो चलिए अभी मैं इसे लगाती हूँ, पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले, फेस में लगाने से पहले फेस को क्लीन करना चाहिए, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले फेस को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ही इसे अप्लाई करेंगे। तो क्लीन करने के लिए मैंने प्लेन वाटर लिया है, तो मैं अपने फेस को धो लूंगी पानी से। आपके फेस में मेकअप वगैरह है तो पहले मेकअप को रिमूव करो, उसके बाद अच्छे से फेस को धो लो और उसके बाद ही इसे लगाओ। इसे आप नेक में भी लगाओ, तो इसीलिए मैं नेक को भी साफ कर रही हूँ। चलिए पोज भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ओवरनाइट मास्क, तो चलिए इसे लगा लेते हैं। तो इसको आप हाथ से भी लगा सकते हो, चम्मच के मदद से भी लगा सकते हो, फुल फेस में लगाना है इसे। आप आँखों के चारों तरफ भी लगा सकते हो, होठ में भी लगा सकते हो, और चंदन है तो होठ में नहीं लगाओ तो अच्छा है, पर आँखों के चारों तरफ भी ये लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मॉइस्चर है। ये आपके आँखों के कालापन को भी मिटाने के लिए हेल्प करेगा, रिंकल को भी मिटाएगा और स्किन को फेयर भी बनाएगा। तो अभी मैं हाथ से लगा रही हूँ ताकि थोड़ा मालिश ले पाऊँ। हल्का हाथ करना है, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स जब भी आप इसमें सैंडल पाउडर यूज करो वो एकदम फाइन पाउडर हो, ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा डस्ट रह जाए तो वो आपके हाथ में आके वो थोड़ा चुभेगा फेस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन पाउडर लेना है चंदन का, और इसका आप आंखों के चारों तरफ भी ऐसे लगा लो। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिया है, ऐसे आपको लगा के रात भर रखना है अपने फेस में और उस सुबह उठ के धो लेना है। तो धोने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो आप देख के हैरान रह जाओगे। मैं अभी का भी इसको धो के दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं तो रात भर रख के सुबह उठ के नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी बनाई हूँ, अभी आपको दिखाना है मुझे, तो इसीलिए मैं अभी का भी इसको धोती हूँ, तब भी फ्रेंड्स आप हैरान रह जाओगे इसका रिजल्ट देख के। और इसे आप रात भर रखोगे तो फ्रेंड्स मेरे से भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो रात भर 8 घंटे आपके साथ रहेगा। मैं इसको रखती हूँ फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद धो के दिखाती हूँ, पर आपको रात भर रखना है। ओके तो फ्रेंड्स मैं इसको रखी हूँ 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट बाद मैं धो रही हूँ, तो चलिए धो के दिखाती हूँ मैं इसका रिजल्ट।
धोने से पहले मैं फिर से आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इसे आपको रात भर रखना है, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट ही रखना है। मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं 15 मिनट रख के दिखा रही हूँ, पर आपको टाइम जरूर मिलेगा क्योंकि ये ओवरनाइट मास्क है। जो भी देख रहे हो तो इसे ओवरनाइट ही आपको रखना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपको एक दिन टाइम नहीं मिलता है या रात को आप कुछ और लगाते हो, आपको मेरी तरह टाइम नहीं है, आप भी कैमरे मैं जैसे कैमरे के सामने हूँ, ऐसा कोई भी रीज़न हो तो फ्रेंड्स आप इसको या आधा घंटा जरूर कोशिश करो रखने के लिए। तो चलिए अभी मैं धो के लिए दिखाती हूँ आपको। देखो ये धो रही हूँ मैं, फेस कितना ग्लो कर रहा है। धोते ही आप देखिएगा आपके स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट बन जाएगा और बहुत ग्लो करेगा, सॉफ्ट बन जाएगा, स्किन का दाग धब्बे भी हल्का लगेगा, उसके साथ बहुत ब्राइट भी बन जाएगा। आप देख रहे हो मेरा स्किन कितना ब्राइट हो चुका है पहले से। तो मैं एक बार फ्रेश पानी के साथ धोऊंगी अपने फेस को। तो ये मैंने फ्रेश पानी लिया है, तो आप देख रहे हो कितना ब्राइट हो चुका है मेरा फेस। देखिए फ्रेंड्स ये सिर्फ 15 मिनट का असर है, आप देख लो ये सिर्फ 15 मिनट का असर है, इतना ब्राइटनेस सिर्फ 15 मिनट में दिलाया है। और इसे आप हर रोज रेगुलर रात भर रखोगे तो फ्रेंड्स बहुत असरदार होगा। कीमती महंगा महंगा जो भी आप स्किन व्हाइटनिंग वाला या एंटी एजिंग वाला चीज लगाते हो अपने फेस में, उससे ज्यादा असर दिलाएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये आप डायरेक्ट लगा रहे हो। तो फेस धोने के बाद भी मैं एक बार अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। मैंने अभी पोज भी लिया है तो आप देखो फुल एंड फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स था ना ये बहुत ही असरदार स्किन व्हाइटनिंग ओवरनाइट वाला फेस मास्क। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ ही साथ अभी जाके इसे बना के अपने फेस में जरूर ट्राई करो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा टिप्स, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखो कैसा लगा, फुल डिटेल्स लिखो तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि आपने इसे लगाया है और ऐसा कोई आपने शेयर किया है लगाने के बाद आपको कैसा लगा है, तो वो भी मैं भी शेयर कर दूंगी सभी के साथ पास। तो जरूर नीचे कमेंट्स में लिखो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी तो अच्छा सा ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, बाय।